हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं सचिन और जिगरा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप हो गई है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप बोर नहीं होंगे, और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए सचिन और जिगरा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप हो गई है बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए सचिन और जिगरा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप हो गई है बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए सचिन और जिगरा के द्वारा, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो मूवी ने कमाई की है वो की है 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप हो गई है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें, और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप बोर नहीं होंगे, और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए सचिन और जिगरा के द्वारा, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप हो गई है बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए सचिन और जिगरा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो मूवी ने कमाई की है वो की 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप हो गई है बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए सचिन और जिगरा के द्वारा, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो मूवी ने कमाई की है वो की है 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप हो गई है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें, और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप बोर नहीं होंगे, और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए सचिन और जिगरा के द्वारा, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप हो गई है बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए सचिन और जिगरा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो मूवी ने कमाई की है वो की 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप हो गई है बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए सचिन और जिगरा के द्वारा, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो मूवी ने कमाई की है वो की है 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप हो गई है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें, और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप बोर नहीं होंगे, और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए सचिन और जिगरा के द्वारा, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो मूवी ने कमाई की है वो की 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप हो गई है बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं सचिन और जिगरा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो मूवी ने कमाई की है वो की 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप हो गई है बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एस बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए सचिन और जिगरा के द्वारा, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो मूवी ने कमाई की है वो की है 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप हो गई है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें, और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप बोर नहीं होंगे, और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एस बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए सचिन और जिगरा के द्वारा, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो मूवी ने कमाई की है वो की 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप हो गई है बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं सचिन और जिगरा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो मूवी ने कमाई की है वो की 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप हो गई है बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं सचिन और जिगरा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 90 मिलियन की, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के, तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप हो गई है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की, तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप बोर नहीं होंगे, और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं सचिन और जिगरा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर चार सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर चार सॉन्ग्स हैं और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप हो गई है बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं सचिन और जिगरा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर सन 2017 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर चार सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर चार सॉन्ग्स हैं और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप हो गई है बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं सचिन और जिगरा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया एफ फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप हो गई है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप बोर नहीं होंगे, और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं सचिन और जिगरा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया एफ फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप हो गई है बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं सचिन और जिगरा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप हो गई है बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं सचिन और जिगरा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया एफ फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 90 मिलियन की, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के, तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप हो गई है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की, तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप बोर नहीं होंगे, और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं सचिन और जिगरा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया एफ फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर चार सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर चार सॉन्ग्स हैं और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप हो गई है बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं सचिन और जिगरा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर चार सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर चार सॉन्ग्स हैं और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप हो गई है बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं सचिन और जिगरा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया एफ फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 90 मिलियन की, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के, तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप हो गई है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की, तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप बोर नहीं होंगे, और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं सचिन और जिगरा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया एफ फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर चार सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर चार सॉन्ग्स हैं और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप हो गई है बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं सचिन और जिगरा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर चार सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर चार सॉन्ग्स हैं और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप हो गई है बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं सचिन और जिगरा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप होगी है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप बोर नहीं होंगे, और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं सचिन और जिगरा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप होगी है बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं सचिन और जिगरा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप होगी है बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं सचिन और जिगरा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप होगी है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप बोर नहीं होंगे, और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं सचिन और जिगरा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप होगी है बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं सचिन और जिगरा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप होगी है बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं सचिन और जिगरा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप होगी है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप बोर नहीं होंगे, और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं सचिन और जिगरा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप होगी है बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा। और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं सचिन और जिगरा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप होगी है बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसीना पारकर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वह अपूर्वा लाखिया, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है, और गाइस जो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है सुरेश नायर के द्वारा, और गाइस इस मूवी के अंदर जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं चिंतन गांधी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी का प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे नाहिद खान, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर और अंकुर भाटिया और राजेश तेलंग। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई फसाहत खान के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया स्टीवन एच बर्नार्ड के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए सचिन और जिगरा के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो इस मूवी के अंदर जो स्कोर म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया अमर मोहिल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्विस एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 22 सितंबर 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 124 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 180 मिलियन का, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मतलब ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई ये मूवी। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 90 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है तेरे बिना का रोमांटिक वर्जन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है बंटाई, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है पिया आ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है तेरे बिना का सैड वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 4 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सॉन्ग्स सही हैं इस मूवी के। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 6.3 की रेटिंग, जो कि गाइस रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मूवी बेशक से फ्लॉप होगी है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस मूवी की। तो सजेस्ट मैं आपको यहाँ पे यही करूँगा कि आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। और गाइस अगर आप इस मूवी के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा, और आप बोर नहीं होंगे, और मतलब आपको काफ़ी इंटरटेन भी होगा इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।